जेल, कैद और सजा, इन शब्दों से हमारा कोई सीधा वास्ता नहीं होता। लेकिन जेल ना होती तो कानून कैसे होता? कैसे समाज में सभी निर्भीक घूम पाते? अपराधी को सजा क्या मिलती? जरा मुश्किल है ना इस बात को समझ पाना कि बिना जेल के क्या होती किसी अपराधी की सजा। अब हर जुर्म की सजा तो मौत भी नहीं हो सकती, तो फिर शायद जेल अप्रत्यक्ष रूप से हमसे ताल्लुक तो रखती ही है। astrobal.com पर मैं कनुप्रिया सत्तन कंबख्त जेल के चौथे एपिसोड में आपको बताऊंगी उस पहलू के बारे में जो आपसे अनछुए हैं। जेल के पीछे पल रही तमाम जिंदगियों का भले ही कोई मकसद ना हो, मगर जेल का मकसद है बेगुनाहों को सुकून की जिंदगी देना। जेल में काटने वाले दिन और रात में कभी किसी को सुकून नहीं मिलता। वहाँ रहने वाले अक्सर अपनी ज़िंदगी के सपने और ख्वाहिशें खुद ही दफना देते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में काला पानी की सजा दी जाती थी, जहाँ कैदियों को ऐसी कोठरियों में रखा जाता था जहाँ वह एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे। हालांकि अब काला पानी की सजा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी भी तरह की जेल में सुकून मिल पाना लगभग नामुमकिन ही है। जेल में रहने वाले कैदियों को सुबह से लेकर रात तक एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। कैदी को उसके जुर्म के हिसाब से ही सजा दी जाती है, किसी को बामशक्कत तो किसी को सिर्फ कैद। उस जेल के पीछे जेब कतरे से लेकर खूनी तक सजा काट रहे हैं। अगर वह जेल नहीं होती तो जरा सोचिए क्या होता। कुछ कैदियों को अपने अच्छे व्यवहार पर जल्द ही जेल से छुटकारा भी मिल जाता है, तो कुछ को अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारा करना होता है, जहां आप अपनी मर्जी के खिलाफ एक दिन भी नहीं गुजार पाते, वहीं जेल के पीछे अपने तमाम सपनों की राख बिखेर लोग खड़े होते हैं।